Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be solving a problem of equilibrium of sphere. Okay, for that purpose, पहले हम समझ लेते हैं question में क्या है, ठीक है? A ball of weight 53.4 newton means this object weight is given to us. Okay, rest in a right angle through as shown in figure. एक trough में placed है, ठीक है, जिसके लिए आपको फिगर यहाँ पे दिया है. डिटरमाइन द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रफ एट डी एंड ई, मतलब हमें चाहिए डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे कितने फोर्सेस डेवलप होता है ना, क्या रिएक्शन डेवलप होती है या फोर्स डेवलप होता है. अज्यूम ऑल द सर्फेसेस एज परफेक्टली स्मूथ. ओके, तो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले तो ये समझना है कि ये वाले क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या दिया है और क्या निकालना है वो समझने की जरूरत है. तो हमें दिया है उसका सेल्फ वेट, मतलब हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे पहले आना चाहिए उसका सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. और क्या चीज मालूम है, निकालना है हमें डी पे एक्ट होने वाला फोर्स और ई पे एक्ट होने वाली फोर्स, मतलब उस पॉइंट पे की रिएक्शन, राइट. तो हमें वैल्यू चाहिए है आर डी की आर ई की, ठीक है. तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर गिवन ऑब्जेक्ट. सो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी है. आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको एफबीडी करेक्ट ड्रॉ करते आनी चाहिए, ठीक है. अब हम सीखते हैं एफबीडी हम कैसे ड्रॉ करेंगे. एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम. तो हमने पहले तो हमारा जो गिवन बॉल है उसको फ्रीली ड्रॉ कर लिया बाय रिलीजिंग फ्रॉम ऑल द सर्फेसेस. उसके बाद सबसे पहली चीज जो हम ड्रॉ करते हैं हमेशा सबसे पहले होता है सेल्फ वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. तो हम ड्रॉ करेंगे उसका सेल्फ वेट है डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है 53.4 न्यूटन. ओके, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट है. तो यहाँ पे आ गया उसका सेल्फ वेट. उसके बाद हमें सेकेंड चीज क्या पता है, तो देखिए आपको ये पता है कि डी पॉइंट्स पे जो रिएक्शन डेवलप होगी दैट रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट. ओके, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से उसके लिए जो रिएक्शन डेवलप हो रही है उसे यहाँ दिखाऊं तो दिस मस्ट बी माई आर डी. सिमिलरली आप देखेंगे तो ई पॉइंट पे जो रिएक्शन डेवलप हो रही है ना, उसको हम क्या कहेंगे आर ई, ठीक है. तो यहाँ से हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये है हमारी रिएक्शन आर ई. अब यही पार्ट मेजर है, ये जो वैल्यू ऑफ एंगल है ना मेड बाय दिस रिएक्शन, ये समझना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो ये हम देख लेते हैं. अब हमें चाहिए क्या है, देखिए अब हमें चाहिए है वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स, है ना. एंगल ऑफ आर ई विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ आर डी विथ हॉरिजॉन्टल कितना है. फॉर दैट पर्पज यू नीड टू सी द थिंग ओवर हियर. देखिए ये जो आर डी है ना ये ऐसे बन रहा है, मतलब अगर मैं ऐसे बोलू यहाँ तो हमेशा जो हमारी रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट. यहाँ तो परपेंडिकुलर रहने वाली है. ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊंगी आर डी आपकी रिएक्शन वाली वैल्यू, ये एंगल ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है आपकी रिएक्शन, मतलब ये वाला एंगल कितना बचेगा 90 माइनस 30. इसका मतलब आपकी रिएक्शन का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना रहने वाला है 90 माइनस गिवन एंगल टू यू, राइट, 90 माइनस 30. सिमिलरली यहाँ पे जो रिएक्शन है देखिए, इसके लिए ये 90 है ये 60 है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 ना, क्योंकि टोटल तो 180 होता है, राइट. सो इसका मतलब 90 माइनस 60, तो आर ई का इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बना 30 डिग्री, वेर एस आर डी का इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बना 60 डिग्री. अभी वैल्यू यहाँ पे 30 थी तो 90 माइनस 30 आया 60, यहाँ 60 है तो 90 माइनस 60 आएगा 30. दैट्स व्हाई द वैल्यूज आर लाइक दैट, ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिख लेते हैं. आर डी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना आएगा 60 डिग्री, आर ई का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना आएगा 30 डिग्री. ये कैसे लिखा है, होपफुली इट्स क्लियर टू यू नाउ, बिकॉज ये जो है ये आर डी का एंगल है, राइट. तो यहाँ पे अगर ये 30 है ये 90 है तो ये हमारा बना 60. तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 है, मतलब ऐसा भी 60 लिख सकते हैं ना जो मैंने यहाँ लिखा है,
अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, रिएक्शन का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ही दिखाया है, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट होता है राइट। सो फ्रॉम दैट मैंने सिर्फ डायग्राम में क्या किया है, यहाँ पे ये जो विथ हॉरिजॉन्टल एंगल है उसे यहाँ दिखाया है, ठीक है। सेम लॉजिक आई विल अप्लाई फॉर पॉइंट ई, यहाँ 60 है तो ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है, इसी 30 को मैंने बस ऐसे दिखाया है, देखिए यही है ना, ये आपका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 है तो ये भी 30, इसका मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू दिखाई है, ओके कोई चेंज नहीं किया है। तो अगर इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें, फॉर दैट पर्पज यू शुड रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ लामीज थ्योरम, ठीक है। तो लामीज थ्योरम अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके लामीज थ्योरम के क्वेश्चंस देख सकते हैं। लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, तो अभी हम इनका डायग्राम लामी से सॉल्व करने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। 53.4 न्यूटन, देखिए जिस फोर्स का जैसा डायरेक्शन है ना वैसे ड्रॉ कर दे। अभी आरडी किधर है, अप साइड पे है, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे। आरई किधर है, इधर से अप साइड पे है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आरई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके एंगल्स, हमें जितने भी मालूम है वो एंगल्स की वैल्यू हम लिख लेंगे। तो देखिए आपको ये पता है आरडी का जो एंगल है ना, आरडी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 60, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखू आरडी का एंगल ये वाला विथ हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, तो इज इट फाइन राइट। सिमिलरली आरई का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, आरई का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री, इसका मतलब आरई का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री। यहाँ पे तो ये आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे ये है 90 डिग्री राइट। अब ये जो हमारा टोटल एंगल होता है ना, यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना होता है हमारा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये टोटल होता है 180, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 180 है उसमें से 60 प्लस 30 मतलब 90, तो ये 90 ही बचा ना राइट। इसका मतलब आरई और आरडी के बीच का एंगल कितना आया, 90 डिग्री। होपफुली इट्स क्लियरली अंडरस्टूड कि ये टोटल 180 है, इसीलिए ये वाला एंगल हमने लिखा 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अब अगर मैं फोर्सेस के बीच के एंगल्स की वैल्यू लिख दू तो आरई और आरडी के बीच के एंगल की वैल्यू बन जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। आरई और ये जो लोड है हमारा, उसके बीच का ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री, विच मेक्स इट एज 120 डिग्री राइट। और ये वाला जो एंगल है 90 प्लस 60 विल मेक्स इट एज 150 डिग्री, ठीक है, ओके। तो ये जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है अब हम उस पे से लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय लामी थ्योरम, लामी का स्टेटमेंट कहता है कि अगर थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम देन रेशियो ऑफ ईच फोर्स, तो हम क्या करेंगे, हर एक फोर्स का रेशियो ले लेंगे, रेशियो ऑफ ईच फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल मतलब अभी सबके टाइम पे हमें साइन लेना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू इज सेम। रिमेनिंग टू मतलब देखिए अगर मैंने बात की आरई की तो रिमेनिंग दो बचे आरडी और 53.4, मतलब इनके बीच जो एंगल है ना उसका साइन चाहिए, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, देखिए आरई अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री। तो अगर मैंने वैसे बोला है तो आरडी के टाइम क्या चेंज आ जाएगा, देखो अगर ये आरडी है मतलब साइन ऑफ 120 आएगा, क्योंकि रेशियो ऑफ ईच फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू इज ऑलवेज सेम, दैट्स व्हाट इज द लामी थ्योरम। तो यहाँ पे हमने बाकी के दो के बीच एंगल, अगर आप बात करें 53.4 तो रिमेनिंग दो के बीच एंगल 90 है, आरडी की बात करें तो रिमेनिंग दो के बीच एंगल 120 है, आरई की बात करें तो रिमेनिंग टू के बीच एंगल 150 है, ठीक है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ लोड, तो वी विल बी इक्वेटिंग एनी टू, हम क्या करेंगे आरई अपॉन साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू 53.4 अपॉन साइन ऑफ 90। फ्रॉम दिस वंस वी सॉल्व इट वी गेट एन आंसर फॉर आरई एस 26.70 न्यूटन, ओके। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक आर ई ऑन वन साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग ऑन अनदर साइड, सिमिलरली वी विल बी कंपेयरिंग सेकेंड वन, तो उसपे से हमें मिलेगा आर डी अपॉन
साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू 53.4 अपॉन साइन ऑफ 90. फ्रॉम दिस वी गेट एन आंसर फॉर आर डी एस 46.25 न्यूटन. ठीक है, तो दिस विल बी आर फाइनल आंसर फॉर आर ई एंड आर डी. अब ये जो क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप लामी से ही सॉल्व करें. आप अगर एक बार एंगल की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है सिंपल क्वेश्चन जहां पे आपके तीन फोर्सेस दिए हुए हैं. तो टू और मोर फोर्सेस के क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम रिजोल्व करते हैं सीधे सीधे. तो हम इस चीज को ना समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो अप्लाई करें इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो ये केस में देखिए हमारे कंपोनेंट कौन से है. एल बी डिनोटिंग दोज कंपोनेंट्स ओवर हियर. देखिए आर डी का एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये कंपोनेंट बनेगा आर डी कॉस ऑफ 60, ये कंपोनेंट बनेगा आर डी साइन ऑफ 60. सिमिलरली अगर मैं आर ई की कंपोनेंट की बात करूं, ये बनेगा आर ई कॉस ऑफ 30 क्योंकि एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बनेगा आर ई साइन ऑफ 30. राइट, अगर लामीज का इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं जमता है तो आप इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं. समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो में क्या क्या आ जाएगा, आर डी कॉस ऑफ 60 डिग्री राइटवर्ड है तो पॉजिटिव, माइनस आर ई लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव कॉस ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू जीरो. ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर वन. फिर हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो. तो आर डी का कंपोनेंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, आर डी साइन ऑफ 60 प्लस आर ई अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन ऑफ 30 माइनस 53.4 इज इक्वल टू जीरो. सो आर डी साइन ऑफ 60 प्लस आर ई साइन ऑफ 30 इक्वल टू 53.4. ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर टू. अब आप देखेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है आर डी एंड आर ई. तो सीधे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आपको आर ई एंड आर डी की वैल्यू सेम ही मिलती है. ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है दैट आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, आप चेक कर सकते हैं. तो दोनों ही मेथड से वी गेट द सेम आंसर. सो व्हाट एवर यू फाइंड फिजिबल यू कैन गो फॉर इट. इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू स्ट्रक्चर माइंडसेट्स एंड स्टे अपडेटेड.